नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। यहां आप देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरें। खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी अमरोहा ने चोरों, माफियाओं, बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रखा है। वहीं थाना गजरौला पुलिस द्वारा रात लगभग 2 बजे तिंगरी बंदा पर चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। वहीं पर मुठभेड़ के बाद पशु चोर दो बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों के पास से अवैध असलाह व एक गाड़ी, छोटा हाथी और 8,000 और एक चोरी की भैंस बरामद हुई है। मैं आपको बता दूं, उचित इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। अमरोहा से मोहम्मद वासिम की रिपोर्ट। आज रात्रि में थाना गजरौला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान सामने से एक पिकअप आ रहा था। उसी दौरान पिकअप को जब रोका गया तो उसमें से कुछ लोगों द्वारा अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई। इसी दौरान जब मुठभेड़ की कार में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो दो व्यक्ति को पैर में गोली लगी है और साथ में एक जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुआ है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए दो अभियुक्त फरार हो गए। साथ ही साथ जब उनसे पूछताछ की गई तो वहाँ पे मौके से दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस, 4 खोखा बरामद हुए हैं। साथ ही में एक जो पिकअप है जो उन व्यक्तियों द्वारा घटना में प्रयुक्त की जा रही थी चोरी में, वो वहाँ से बरामद हुई है। साथ ही साथ जो अभियुक्त जो मिले हैं, एक है नवाजिस पुत्र शमशाद, दूसरा खेमचंद पुत्र रामलाल। इनसे जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके विरुद्ध और भी चोरी के और असलाह के आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।